पूरे भारत में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच आज बहराइच में जमीयत उलमा हिंद के बहराइच के जिला अध्यक्ष मौलाना कारी जुबैर के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिला अधिकारी बहराइच को दिया गया। जिला अध्यक्ष मौलाना कारी जुबैर ने बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में गलत बयान व नारों का सिलसिला तेज होता जा रहा है, जो मुसलमानों और हजरत मोहम्मद साहब के फॉलो करने वाले के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मौलाना कारी जुबैर ने यह भी बताया कि जमीयत उलमा बहराइच को इस बात का बेहद अफसोस है कि यह वाकियात जिस अंदाज से पेश आ रहे हैं वह फिरका परस्त तख्तों की सोची समझी साजिश का नतीजा है। इसलिए ऐसे कानून की बहुत ज़रूरत है कि कोई भी शख्स किसी भी धर्म को कुछ कहे तो उस पर फौरन कार्यवाही हो। सख्त से सख्त सजा दी जाए और अगर दो लोगों की गिरफ्तारी हो जाती तो इतना फसाद ना होता। पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टिप्पणी की गई, उनके अंदर ऐब निकाला गया, उनको बुरा कहा गया, इसी सिलसिले में हम लोग डीएम साहब से मिले और ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया है। और हम ये चाहते हैं कि जो मुजरिम है उनको सज़ा दी जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए और ऐसा कानून बना दिया जाए कि किसी भी मज़हब के रहनुमा को, किसी भी मज़हब के पेशवा को कोई शख्स भी अगर बुरा करे कहे तो उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाए। हम किसी भी मज़हब के, हमारा इस्लाम, हम लोग किसी भी मज़हब के पेशवा को कोई बुरा कहे हम इसको किसी तरीके से गवारा नहीं कर सकते हैं। और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, पूरी दुनिया का मुसलमान अपनी जान दे देगा, अपना माल दे देगा, अपनी इज्जत आबरू सब कुछ कुर्बान कर देगा, लेकिन उनकी तौहीन किसी कीमत पर ही गवारा नहीं की जा सकती है। इसी सिलसिले में हम लोग आए थे और डीएम साहब से मिले हैं, मेमोरेंडम पेश किया है।